गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप लोग? देखो सभी की इस टाइम पे हार्ट बीट बढ़ी हुई है, ठीक है। इस टाइम पे सभी की हार्ट बीट बढ़ी हुई है। देखो कौन है जिसकी हार्ट बीट नहीं बढ़ी हुई है? आप ये सोच रहे होंगे कि ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे। देखो आपको पता है कि एग्जाम डेट आपके पास आ चुकी है। पास के मतलब कि एग्जाम आपके बहुत जल्द होने वाले हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये कहा था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस क्या किया था कि हम इतिहास रचने वाले हैं। ये देखो ये क्या है, हम क्या करने वाले हैं, इतिहास को रचने वाले हैं। और इतिहास को हम कैसे रचेंगे, तो इसके लिए मैंने कुछ आपसे प्रॉमिस ये कहा था कि तीन चीज पे हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तीन चीज आपने अगर आपने समझ लिया, ठीक है, तीन चीज अगर आपने कर लिया, तो यकीन मानो, ठीक है, यकीन मानो आप इतिहास रचोगे आप। और इतिहास कैसे रचेंगे भाई? इतिहास हम तब रचेंगे जब हमारे 100 में 100 नंबर आएंगे। ओके, हम इतिहास कैसे रचने वाले हैं, कैसे रचने वाले हैं, हमारे 100 नंबर आएंगे हम इतिहास को रचेंगे। और कैसे, चलो देखते हैं। हम तीन चीज पे फोकस करने वाले आज क्लास में। मैंने बताया था कि जो नॉलेज होता है, नॉलेज जो होता है कितने टाइप के होते हैं, नॉलेज कमेंट सेक्शन में तुरंत मैसेज करो कि जो नॉलेज होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो नॉलेज हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक होते कौन सा, मस्ट नो, कौन सा होता है, मस्ट नो, दूसरा शुड नो, और तीसरा होता है कुड नो। मस्ट नो क्या कहता है आपसे, ये जानकारी जो है, ये जो क्वेश्चन जो है आपके आने ही चाहिए। और आज के टाइम पे आपको पता है, आपको पता है क्या चीज है कि जो मस्ट नो में जो क्वेश्चन आने वाले हैं कौन से, भारतीय स्किल, क्या आने वाले हैं, तो ये आने वाले आपके भारतीय स्किल। फोकस करो, मैं क्या कह रहा हूं, दिमाग खोलो और इसके अंदर सेट कर लो, मस्ट नो जो आपके क्वेश्चन है कौन से है, भारतीय स्किल। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको करने हैं भारत स्किल के सारे क्वेश्चन। ओके, इसके बाद हमारा प्लान नंबर टू कौन सा है, शुड नो, हमें जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए। और किस टाइप से क्वेश्चन हमें जानना चाहिए, जो एक तरह से एग्जाम में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। यानी कि मान के चलो अगर आपके भारत स्किल क्वेश्चन 70% आते हैं, 60% आते हैं, वह सिंपल सी बात है 40% जो क्वेश्चन है कहां से आएंगे, आपके सिलेबस से आएंगे। और क्या आएंगे, सिलेबस ही तो आएंगे आपके। ओके, तो प्लान नंबर हमारा दूसरा क्या है, मस्ट नो। इसके लिए मैंने क्या किया, 1 से लेकर 10 तक, ओके, 1 से लेकर 10 तक मैंने सीरीज बनाया है। उसमें हर करीब आपके 50 क्वेश्चन है, तो उस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसको हमने किया मस्ट नो में नहीं, शुड नो में डाला हमने। ओके, और तीसरा प्लानिंग नंबर तीसरी हमारी कौन सी, कुड नो। हम जान सकते हैं अगर ये हमारा प्लान भी सक्सेसफुल हो गया, तो यकीन मानो आप यकीन मानो, ये देखो इतिहास रचोगे, क्या करोगे आप, इतिहास रचोगे। तो चलो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास तो नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन ही देनी है। इसके बाद क्लास, शायद कुछ टाइम के बाद क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो तीन प्लान हमारे सामने है, तो वहां पे चलते हैं और देखते हैं क्या चीज है। तो ये यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है जो हमारे मस्ट बी क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपके आने ही आने हैं, ठीक है। हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, यहाँ पे देखो क्या मेंशन आपका, मस्ट नो क्वेश्चन। ओके, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% आने ही आने हैं। ओके, 100% अगर नहीं आएंगे क्वेश्चन, तो आप यकीन मानो आपके करीब 70% चाहे 60% चाहे 50%, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि 50+ करके क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले भारत स्कूल के सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया क्वेश्चन बैंक है, ये जो वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो सारे टेस्ट के जो लिंक है आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर क्लिक आप करते हो तो 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको करने के लिए। यहाँ पे करते हो तो लेवल 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हो तो लेवल 2 के जो भारत स्किल के जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और लास्ट में क्या, आपके करीब 250 क्वेश्चन, ये कौन से, 2019 के जो भारत स्किल के क्वेश्चन बैंक है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके लेवल 1 है, यहाँ पे आपके लेवल 2 है, और यहाँ पे पूरा कंप्लीट 100 क्वेश्चन लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चन करने के बाद, अगर आप चाहते हो कि मेरा लेवल क्या है, मेरा IQ लेवल क्या, कॉन्फिडेंस आ चुका है नहीं आ चुका है, अगर आ गया है आपके अंदर, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे के जो 250 क्वेश्चन है इस पे आपको क्लिक करने हैं और सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इस वीडियो के जो ये वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो सारे के टेस्ट का जो लिंक है आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये तो प्लान नंबर 1 है हमारा, कौन सा, मस्ट नो। ओके, अब प्लान नंबर 2 पे चलते हैं। प्लान नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है आपसे।
तो ये आ गया प्लान नंबर टू, शुड बी क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आपके? शुड बी क्वेश्चन। मैंने करीब यहां से एक से लेकर 11 तक टेस्ट का सीरीज बनाया है, ठीक है, पीओटी टेस्ट सीरीज के नाम से। इस पे क्वेश्चन भी आपके यूट्यूब चैनल पे है, शायद आपने वीडियो देख भी लिया होगा, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाओगे, इस पे देखो सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज थ्री, सीरीज फोर करके 11 सीरीज तक है, तो सारे के सारे वीडियो पहले अपलोडेड है, ओके। पर बहुत से बच्चों की डिमांड ये था कि सर इसके क्वेश्चन कराओ, ओके, बहुत से बच्चों की डिमांड ये था कि सर इसके क्वेश्चन कराओ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो पीओटी टेस्ट सीरीज के नाम से सारे के सारे जो टेस्ट है ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ नीचे मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करीब 11 है, यानी 550 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। करीब 500 प्लस क्वेश्चन अगर आप यहाँ से कर ले जाती हो तो जो दूसरा हमारा प्लान है कौन सा, शुड बी क्वेश्चन, जो एग्जाम में आने के चांस है। अगर भारत स्किल से क्वेश्चन अगर नहीं आते है आपके एग्जाम में, चाहे ये हो सकता है कि 60% 70% आए, तो जो बाकी के जो 30% जो क्वेश्चन है आपको यहाँ से मिल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपको सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ओके। आपको क्या करना है, सारे के सारे टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। अब हम चलते हैं प्लान नंबर थ्री, ओके। अब हम चलते हैं प्लान नंबर थ्री पे, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। इस पे करीब मैंने क्या किया, एक से लेके 15 तक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। टेस्ट नंबर वन यानी कि यूट्यूब टेस्ट के नाम से इसके जो मेरा जो चैनल है इस पे आपको वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 क्वेश्चन बैंक है आपके करीब, आपको यहाँ पे करीब 600 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन आप कर ले जाते हो, ठीक है। यानी तीन हमारा हो गया, मस्ट नो, कुड नो और शुड नो, तीन हमारे प्लान है। अगर आप इसको अच्छे से कर ले जाती हो तो यकीन मानो, ठीक है, यकीन मानो आपके 100 में 100 क्वेश्चन, 100 जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, 100 क्वेश्चन तो नहीं, 100 मार्क्स आपके 50 क्वेश्चन है, आपके 50 में 50 पूरे कंप्लीट सही होंगे और आपके 100 by 100 बनने वाले हैं, ओके। तो कैसा लगा मेरा प्लान, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा कि इससे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर क्वेश्चन आ भी गया तो आपको इतना एक्सपीरियंस मिल चुका होगा, ठीक है, आपके ने आपने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया होगा कि क्वेश्चन अगर बाहर से भी आ जाएगा तो आपको क्या करना है, रिकॉग्निशन, क्या करना है, रिकॉग्निशन आपको पहचान करना है, इनसाइड थ्योरी लगाना है। और इनसाइड थ्योरी क्या कहता है भाई, कौन बताएगा? तो इनसाइड थ्योरी आपसे ये कहता है कि आपको क्या करना है, अपना ब्रेन का यूज करना है ऑन द स्पॉट, बाद में नहीं, ऑन द स्पॉट आपको क्या करना है, अपने ब्रेन का यूज करना है और यूज करने के बाद उस क्या करना, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और आपका प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पीओटी में अच्छे नंबर लेके आने पे पीओटी में आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, और आपको क्या करना है, इतिहास रचना है, आपको क्या करना है, इतिहास रचना है। तो यकीन मानो, मस्ट नो, कुड नो, शुड नो और कुड नो, तीनों अगर सारे आपने क्वेश्चन बैंक कर लिए सॉल्व, ठीक है, तो आपके 100 by 100 आने वाले हैं। इसके अलावा मैंने क्या किया है, रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो के नाम से मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको आप जरूर देखना, उससे आपको आइडिया क्या लग जाएगा, जब आपके वाइवा होंगे, ठीक है, जब आप लेसन प्लान डेमो प्लान देने जाओगे, आपका वाइवा जब होगा वहां पे, तो आपसे कुछ ओरली क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आपने अच्छे से वीडियो आपने देख लिया तो सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा कि पहले चैप्टर में क्या है, दूसरे चैप्टर में क्या है, तीसरे चैप्टर में क्या है, चौथे चैप्टर में क्या है, पांचवें चैप्टर में क्या है, ओके, आठवें चैप्टर में क्या है, दसवें, बारहवें, चौदहवें, पंद्रह, जितने भी 15 चैप्टर हमारे, हर चीज के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। और एक जनरल क्वेश्चन भाई कैसे भी घुमा के दे दे, कैसे भी तोड़ मटोड़ को दे दे, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, अच्छे से दिमाग को कूल करोगे और अच्छे से अपना जवाब दोगे, ठीक है। तो सारे के सारे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सारे टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है, और 100 में 100 लेके आना है, ठीक है। और लाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो इतिहास रचनी है मैम, ठीक है, पिछले साल बच्चों ने इतिहास रचा, अब आपकी बारी है, तो मेरे साथ कौन कौन है इतिहास रचने के लिए, ओके। और यहां तक कि जब आपके रिजल्ट आएंगे तो मैं करीब वहां पे 10 बच्चों का मैं पर्सनल इंटरव्यू भी लेने वाला हूँ, ओके, और उनके साथ कुछ रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और चैनल पे उनके वीडियो को अपलोड भी किया जाएगा। तो अपनी स्टोरी भी बनाना चाहते हो कि 100 by 100 नंबर कैसे लाने हैं, अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है,
तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कैसे है कि आपको सारे टेस्ट अटेंड करने पड़ेंगे, जो क्लास के जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसको आपको देखने पड़ेंगे, खासकर रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो, रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो जो है उसको आपको देखना है, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अभी मैं कुछ टाइम पे एक मोटिवेशनल वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, आपको उसको जरूर देखना है। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो आपको जरूर देखना है, उसमें आपको मोटिवेट किया जाएगा, मोटिवेट ये किया जाएगा कि फ्यूचर में आपको कैसे क्या करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, हमें क्लास के बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, ठीक है, एक साथ रहना है, अलग अलग रहना है, आपको आप अच्छे से मोटिवेट किया जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉफ्ट स्किल, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ भारतीय, ये हो गया आपका सॉफ्ट स्किल चाहे VCS। तो VCS के भी मैंने यहाँ पे तीन सेट बनाए, आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, सेट वन यहाँ पे, सेट टू यहाँ पे, सेट थ्री, तीनों सेट आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। पर जिसने अभी तक इसको नहीं किया है, ठीक है, जिसने भी अभी तक इसको नहीं किया है तो आप इसको जरूर कर ले। ठीक है, तीन सेट है, तीनों कितने अगर कर लिया आपने तो यकीन मानो आपके बल्ले बल्ले, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और आपके इतिहास जो रचने के जो है एक कदम दूर हो, आप इतिहास रचने से आप एक कदम दूर हो, थोड़ा सा आगे चलो, मैं आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, मैसेज करो मुझे, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अगर मैं रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूँ तो क्लास में इतने बच्चे हैं जो कहीं कोई ना कोई अब रिप्लाई करेगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।